प्रॉपर का आपका एग्जाम है, तो कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि जिस टॉपिक पर बात की गई है, जिस मुद्दे पर वो आपसे सवाल जवाब चाहते हैं, उस मुद्दे की आपको जानकारी होनी चाहिए, उस मुद्दे के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आज मैं आपसे कहूं कि काऊ पर 10 सेंटेंस बोलो, आप 10 सेंटेंस बोल देंगे, आसानी से बोल देंगे, क्योंकि काऊ के बारे में आपको पता है। आज मैं आपसे कहूं कि सोशल मीडिया के बारे में 10 सेंटेंसेस बोलो, तो आप आसानी से बोल दोगे, क्यों? क्योंकि आपको सोशल मीडिया के बारे में पता है। मैं आपसे कहूं कि कारगिल युद्ध के बारे में 10 सेंटेंसेस बोलिए, आप बोल दोगे। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, आप बोल दोगे। G20 की बात करें, आप बोल दोगे, क्योंकि इन टॉपिक्स को आपने पढ़ा है, इन टॉपिक्स को आप जानते हो। लेकिन वहीं पर अगर मैं ऐसी बात करूं जिन टॉपिक्स को आप जानते ही नहीं हो, तब आप क्या करोगे? तब आपको नहीं पता होगा। उसके लिए कुछ टॉपिक लिख लो कि एग्जाम्स में किस तरह के टॉपिक आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, कौन से जरूरी होते हैं। तो लिखिए पहला टॉपिक लिखिए और इनके बारे में नॉलेज गेन करो। पहला टॉपिक लिखिए वीमन इम्पावरमेंट, या हम कह सकते हैं पावर ऑफ वीमन, या हम कह सकते हैं वीमन से रिलेटेड जितने भी पैसेज हो सकते हैं वो आप तैयार रखें। एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, तीसरा लिखिए गवर्नमेंट के जो अभी हाल में समिट हुए हैं, गवर्नमेंट समिट। G20 तो नहीं आएगा क्योंकि तब तक पेपर बन चुका होगा। ये टॉपिक ध्यान रखना। इसके अलावा जो मोरल स्टोरीज होती है, देखो मोरल स्टोरीज ऐसी है जो SSC में आपको जरूर देखने को मिलती है। मोरल स्टोरीज समझते हो? कि मान लो मैंने कह दिया कि एक किसान था, उसके 4 पुत्र थे, 4 में से 3 कामचोर थे, एक मेहनती था, तो ऐसे करके ये मोरल स्टोरीज। वार लाइक स्टोरीज, हाँ ये आपने अच्छा बोला। किसने बोला? फैजान जी ने, ये बड़ा अच्छा बोला। मणिपुर इंसिडेंट, इससे भी रिलेटेड कोई हो सकता, कोई टॉपिक आए। पता है ये सब पैसेज न्यूज़पेपर से निकाले जाते हैं, ये सब न्यूज़पेपर से निकाले जाते हैं। तो मणिपुर इंसिडेंट अच्छा लिखा, आपको डिलीट नहीं करना था। ये करंट इशूज, तो आपको करंट इशूज, या हम कहते हैं ना करंट इशूज और बर्निंग इशूज, इनके बारे में तो जानकारी रखनी है। करंट इशूज, बर्निंग इशूज, और जिस तरह का अपना SSC स्टेनोग्राफर का एग्जाम है, उसमें आप ये मान के चलो कि मोरल स्टोरी से रिलेटेड पैसेज पूछा जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। करंट इशूज, वर्निंग इशूज, मोरल स्टोरीज, ये अगर आपने तैयार कर लिया तो फिर मौजा ही मौजा है, फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको PQRS के तैयार कर, सॉरी वो कॉम्प्रिहेंशन के तैयार कर लेने हैं। PQRS जिसे हम रीअरेंजमेंट कहते हैं, क्लोज टेस्ट, जिसपे पिछले 4 दिन में मैंने लगभग 300 से 400 क्वेश्चन करा दिए हैं। PDF अनअकेडमी की क्लास में भी अवेलेबल है, PDF व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवेलेबल है। PDF आज जितनी भी पेंडिंग PDF है सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो जितने भी पेंडिंग PDFs है सब मिल जाएंगे। और अभी 11 बजे क्लास है अनअकैडमी पर, तो 11 बजे की क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाओ उसको क्लिक कर लो, वो क्लास ले लेना। और शाम को आपको, आज शाम को 6 बजे मिलेगा वो कैप का धमाकेदार सेशन, तो वो सेशन आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है,
मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, अभी 11 बजे। थैंक यू, जय हिंद।